आपने देखा होगा दिवाली में बहुत सारे ड्राई नट्स आपके पास आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसको कैसे खाएं, क्या करें क्या नहीं करें। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट का नमकीन मिक्सचर, वो भी हेल्दी स्टाइल के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको बिग बास्केट के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पोहा लिया है, ये 1.5 कप पोहा है। ये है पतला वाला पोहा, मतलब कि नायलॉन पोहा, जो घर पे बनाते हैं वो वाला नहीं, पतला वाला जिससे बनती है नमकीन। इसको करना है रोस्ट मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना ऑयल के भी बहुत बढ़िया बनता है। और ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आ चुका है इसके अंदर। यहाँ पे ट्राई करें कि स्पैचुला कम से कम इस पर टच करना है, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या होता है टूटने लग जाता है। इस तरह से आप शेक कर सकते हैं इसको। हल्का सा कलर आ चुका है, आप खा के भी इसको देख सकते हैं कि क्रिस्पी हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं इसको सीधे इस बॉल में, ये ठंडा होता रहेगा, तब तक बाकी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 कप पीनट लिया है, इसको भी हम रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए। आप देख सकते हैं मुश्किल से 2 मिनट मैंने यहाँ पे भुना है इसको, और पीनट के अंदर हल्की सी दरार पड़ने लग गई है। लेकिन अभी भी पीनट पूरी तरह से पका नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी होगी। जैसे हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैं काजू बादाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे काजू बादाम को मैंने 1/2 कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इनको भी इसके साथ में रोस्ट कर लेंगे लगातार स्टर करते हुए। ड्राई नट्स को हमेशा लो फ्लेम पे ही भुना जाता है, जिससे अंदर तक पक जाए। हल्का हल्का सा कलर आने लग गया है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी नहीं आया है, क्योंकि बाकी चीज़ें और ऐड करनी है। ये पम्पकिन सीड्स हो गए, और साथ में यहाँ पे मैंने पिस्ताचो लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। और इसी के साथ में मैंने ड्राई कोकोनट को हल्का हल्का स्लाइस ले लिए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। इसको ड्राई रोस्ट करने के 2 फायदे हैं, टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में इसकी सेल्फ हेल्प बढ़ जाती है। मतलब 3 से 4 महीने तक आप इसको रख सकते हैं स्टोर करके, नो प्रॉब्लम। कोकोनट की स्लाइस डालने के बाद में मुश्किल से मैंने इसको 2 मिनट और भुना है, और हल्की सी स्मेल आने लग गई कोकोनट की। तो बस गैस की फ्लेम को वहीं पे बंद करना है, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे पोहे के अंदर। अब इसमें लगाएंगे बढ़िया सी टेम्परिंग। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल का, इससे ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेम्परिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम टेम्परिंग करेंगे मस्टर्ड सीड्स की। ये अच्छी तरह से टेम्पर्ड होना चाहिए, मतलब कि पॉपअप होना चाहिए। अगर ये पॉपअप नहीं हुआ तो इसका टेस्ट भी नहीं आएगा, और ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बेटर लगेगा। हमको वेट करना चाहिए इसके पॉपअप होने का। और ये देखिए इनकी डांसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये जल सकता है। तो यहाँ पे मैं करी पत्ता ऐड कर रहा हूँ, इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ही ये अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ होते हैं ऑयल के अंदर। यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ रेजिन। रेजिन हमेशा लास्ट में ऐड करें। मसालों में 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बढ़िया सा कलर आ जाता है इसमें। ऑयल में इतनी हीट है कि ये मसालों को अपने आप पका लेगा। मैंने गैस की फ्लेम बंद की हुई है यहाँ पे, मुश्किल से 30 सेकंड, और ये हो गया तड़का रेडी। और ये देखिए करी पत्ता किस तरह से फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से, और ये गया हमारी नमकीन के ऊपर। ये गया हल्का सा सॉल्ट, सॉल्ट हल्का सा कम डालना है, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये गया हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, इसमें एक हल्का सा गंधक वाला फ्लेवर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये नमकीन बिना रोस्टेड चना के पूरी नहीं हो सकती, तो ये डाल दीजिए इसके अंदर। यहाँ पे ये हाई प्रोटीन होती है, इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए किसी न किसी रूप में। हल्की सी मैं शुगर का पाउडर यहाँ पे ऐड करूँ, हल्का सा मिठास के लिए, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, 1 छोटी चम्मच से भी कम। बढ़िया सा कलरफुल दिखे उसके लिए चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे काफ़ी स्पाइसी भी हो जाएगा। अगर स्पाइसी कम पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको एक टैंगी टेस्ट देने के लिए ड्राई अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और जब भी आप ड्राई अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं पुराना नहीं होना चाहिए, जो पुराना होता है उसमें लम्प पड़ जाते हैं, साथ में एक बिटरनेस भी उसमें आती है, टेस्ट को अच्छा करने की बजाय ख़राब कर देता है। इसको मिक्स कर लेते हैं, आप चाहें तो इस तरह से शेक भी कर सकते हैं इसको। मसालों का कलर पकड़ ले अच्छी तरह से पोहा, और ये तैयार हो गई हमारी ड्राई मिक्सचर। इसकी खास बात यह है कि ये विदाउट फ्राई, मतलब कि बहुत ही कम तेल इसमें इस्तेमाल किया है। मार्केट में जो मिलती है वो फ्राइड होती है, और ये बनी है घर के सामान से जो आपके पास में रहता ही है। हमने बनाया है घर में रखे सामान से एक शानदार सी ड्राई फ्रूट नट्स की मिक्सर,
और इसी तरह की शानदार सी रेसिपी जानने के लिए बिग बास्केट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना और लाइक शेयर ना भूलें। थैंक यू।